जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो एक तो मनुष्यों से लेके पशुओं तक को रोग होने की संभावना होती है, दूसरा इस समय जो फसलें फूल वाली होती हैं या जो फल वाली होती है, जो हरी सब्जियां हैं जैसे पालक वगैरह, हरा धनिया वगैरह, इनमें विकृति आती है, तो इनको खाने से उस समय रोग होने की संभावना, खांसी की संभावना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। तो इन समयों को विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसे समय में किसानों को इन समयों से पहले उन खेतों में पानी दे देना चाहिए ताकि प्रदूषण का उस प्रकार का प्रभाव उस पर ना रहे। और वैदिक विज्ञान की दृष्टि से ही यदि बोले तो इन तीनों समयों में वायु प्रदूषण तो बढ़ेगा ही और इनमें चक्रवात जैसी घटनाएं घटित हो सकती है। 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच अरब सागर में और 24 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रशांत महासागर में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।